अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो ये जो वीडियो है ये मोस्ट डिमांडेड और रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। काफ़ी लोग मुझसे मेरे मोबाइल का जो है ना सेंसिटिविटी कोड मांग रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार हर मोबाइल की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है। मतलब मेरे मोबाइल की किसी और मोबाइल में बेहतर नहीं चलेगी। हो सकता है थोड़ी बहुत वर्किंग करे लेकिन बेहतर नहीं चलेगी। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल की जो है ना सेंसिटिविटी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन उससे पहले जितने भी भाई आप में से और बहनें इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आइंदा आने वाली मेरी वीडियोस और जो ड्रिल्स वगैरह, स्प्रे ड्रिल्स, क्लोज रिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी है क्या। सेंसिटिविटी वो है जो हमारे करेक्टर को मूव करवाती है, हमारी हाई को मूव करवाती है, हमारे स्कोप को मूव करवाती है। जो हम बगैर फायर किए ये देखें इधर से उधर मूव करें, ये भी सेंसिटिविटी। और ये जो रिकॉयल कंट्रोल है ये भी हमारी सेंसिटिविटी ही करती है। तो बहुत से लोग जो है मुझसे सेंसिटिविटी मांगते थे, लेकिन उनका सिर्फ जो है ना मकसद यही होता है कि वो ADS की सेंसिटिविटी चाहते हैं जो रिकॉयल कंट्रोल कर सकें। तो आज हम सिर्फ ADS के बारे में ही बात करेंगे। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी सेंसिटिविटी खुद कैसे बना सकते हैं। ये देखें, चले मैं पहले आपको यहाँ पे सारे स्कोप की बात नहीं करूँगा, मैं आपको एक दो स्कोप की एग्जांपल दूंगा, बाकी आप खुद जो है ना बना सकते हैं। ये देखें, ऑलमोस्ट जो है ना सिर्फ आपको सेंसिटिविटी बना लेने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी स्प्रे की। और ये जो है ना मैंने खुद करके देखा है। ये देखें अभी जो है मेरा स्कोप मोस्ट मतलब ऑलमोस्ट स्टेबल है। जहाँ पर मैं खोल के कर रहा हूँ ना स्कोप मेरा स्टेबल है। अगर आपका स्कोप जाता है ना नीचे को, अगर आपका स्कोप जाता है ऊपर को, तो आपकी सेंसिटिविटी है जो उसको आपने बढ़ा देना है, वो आपकी सेंसिटिविटी कम है। ये देखें मेरे हाथ, ओह सर्दी बहुत है यार। अगर आपका स्कोप ऊपर को जाता है तो आपने ADS में जाना है, रेड डॉट पे जाना है। रेड डॉट किधर है? रेड डॉट में आपने अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ा देना है। और अगर ऐसे ही आपको लग रहा है, ये देखें रुके ज़रा, किधर है, हाँ 65 है, 100 कर दिया मैंने। अब देखना ये मेरा स्कोप नीचे को आएगा, ये देखो नीचे आ रहा है। फायर करते हुए कभी भी स्कोप नीचे नहीं आ सकता। तो ये क्या है, अगर तो आपका स्कोप ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपने सेंसिटिविटी को बढ़ा देना है, और अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो आपने सेंसिटिविटी को कम कर देना है। मेरी पहले 65 थी तो मैं अपनी वापस कर लेता हूँ, ये मैंने कर ली, अपनी बना ली है, मतलब मेरी थी ख़राब हो गई। तो ऐसे ही जो है बाकी स्कोप्स का प्रोसेस है। ये स्कोप भी ऑलमोस्ट जो है ना मेरा स्टेबल है, मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ इसलिए स्प्रे सही से नहीं जा रहा। तो इसका भी यही सीन है, अगर आप लोग का स्कोप जो है वो नीचे जा रहा है तो आपने सेंसिटिविटी को कम कर देना है। ADS ये ख्याल है कि ये यहाँ पे सिर्फ जो है ना हम ADS को छेड़ेंगे, ADS के अलावा फ्री लुक कैमरा सेंसिटिविटी या फिर स्कोप कैमरा सेंसिटिविटी जो है ना उसे नहीं हम छेड़ेंगे। ये सिर्फ आप ADS कर रहे हैं, अब तो इन्होंने चेयर पार्क में भी दे दिया, सॉरी ट्रेनिंग ग्राउंड में, आप यहाँ से जो है ना अपनी सेंसिटिविटी देख सकते हैं। तो 3x अगर आपका स्कोप ऊपर को जा रहा है, याद रखें अपवर्ड तो ज़्यादा करनी है, डाउनवर्ड तो कम करनी है। अगर आपका स्कोप ऊपर जा रहा है तो आपने सेंसिटिविटी को बढ़ा देना, और ये बढ़ाते बढ़ाते देखना है आपने, मतलब अगर अभी मेरी है कितनी, अभी मेरी 33 है, लाइक आप 35 करके देखें, अगर कैमरा अभी भी स्कोप ऊपर जा रहा है तो आप 37 कर दें। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप अपनी खुद सेंसिटिविटी बना सकते हैं, और आधा घंटा लगने वाला है सिर्फ आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना जिनको सेंसिटिविटी चाहिए। और अगर तो आपको दूसरी वो फ्री लुक कैमरा सेंसिटिविटी और जो स्कोप कैमरा सेंसिटिविटी है वो चाहिए, तो आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिखाएं, इंशाल्लाह वो भी आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो ये है कि सिर्फ सेंसिटिविटी से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी स्प्रे की, तभी जाके आपका स्प्रे परफेक्ट होगा। समझ रहे हो? तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।